नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। अमेरिका ने राहुल गांधी के बयानों पर फेरा पानी। बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच मात्र सुर्खियों में रहने का प्रयास। जयराम रमेश। सचिन पायलट बनाएंगे प्रगतिशील कांग्रेस, तारीख भी कर दी तय। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत जीवंत लोकतंत्र, जिसे शक को दिल्ली जाकर देख ले। अमेरिका ने राहुल गांधी के बयानों पर फेरा पानी। जी हां, ब्रिटेन हो या अमेरिका, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर विदेशी धरती से आरोप लगाते रहते हैं कि भारत में लोकतंत्र मर चुका है और इसकी रक्षा करने वाले यूके यूएस चुप है। जी हां, लेकिन अब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क माने जाने वाले अमेरिका ने जो बयान दिया है वो राहुल गांधी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। जी हां, दरअसल राहुल गांधी के इस समय 10 दिवसीय दौरे पर अमेरिका में भी और भारत सरकार को घेरने के लिए लगातार कर रहे, भारत में लोकतंत्र नहीं है, वहां लोगों की आवाज दबाई जा रही है। हालांकि राहुल के बयानों से बिल्कुल उलट अमेरिका ने दो टूक कहा है कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और जिसे भी कोई संदेह हो वो नई दिल्ली जाकर खुद इसे देख सकता है। जी हाँ, लेकिन अब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क माने जाने वाले अमेरिका ने जो बयान दिया है वो राहुल गांधी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। दरअसल राहुल गांधी इस समय 10 दिवसीय दौरे पर अमेरिका में ही है और भारत सरकार को घेरने के लिए लगातार कह रहे हैं कि भारत को लोकतंत्र नहीं है, वहां लोगों की आवाज दबाई जा रही है। हालांकि राहुल के बयानों से बिल्कुल उलट अमेरिका ने दो टूक कहा है कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग यानी एनएससी में बतौर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सेक्रेटरी काम कर रहे जॉन किर्बी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और रोहत चर्चा का विषय बने रहेगी। हम कभी इसे लेकर शर्माते नहीं हैं और दोस्तों के बीच में चलता ही रहता है। विश्व में किसी के साथ भी हम अपनी चिंताओं को साझा कर सकते हैं। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा गहरी और मजबूत दोस्ती एवं साझेदारी को और आगे लेकर जाएगा। दरअसल किवी से सवाल किया गया था कि क्या अमेरिका भारत में लोकतंत्र की सेहत को लेकर चिंतित है। इस पर उन्होंने कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और वे जिसे भी इस बात पर शक हो वो खुद दिल्ली जाकर देख ले। जी हाँ, जॉन किर्बी ने आगे कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 22 जून को पीएम मोदी यूएस हाउस से सीनेट और रिप्रेजेंटेटिव्स की संयुक्त बैठक, किसी विदेश अतिथि के लिए ये सर्वोच्च सम्मान होता है। बता दें कि 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी का ये छठा यूएस दौरा होगा। जी हाँ, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में भी प्रधानमंत्री मोदी की पेंटागन यात्रा को लेकर बयान दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार विभाग के प्रिंसिपल डिप्टी सेक्रेटरी वेदांत पटेल ने कहा कि भारत के साथ साझेदारी यूएस के सबसे बड़े रिश्तों में से एक है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था, कारोबार और सुरक्षा के क्षेत्र में अमेरिका भारत के रिश्तों और सशक्त होंगे। अमेरिका सांसदों ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में भारत के भविष्य को लेकर उनके विजन और दोनों देशों की चुनौतियों को संबंध में पता चलेगा। बता दें कि व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान ऐसे समझ में आया जब राहुल गांधी उसी देश में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए और भारत के लोकतंत्र को मर चुका बता रहे हैं। हालांकि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिनर कार्यक्रम भी इसी महीने प्रस्तावित है। Talk about all those issues and to advance and deepen that partnership and that friendship. And then the follow is this administration at all concerned about the health of democracy in India? India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. I would expect that the strength and health of democratic institutions will be part of the discussion. And look, we never shy away. And you can do that with friends. You're supposed to do that with friends. You're never shy away from expressing concerns that we might have with anyone around the world. But this visit is really about advancing what is now and what we hope will be a deeper, stronger partnership and friendship going forward. बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच मात्र सुर्खियों में रहने का प्रयास। जयराम रमेश। जी हां,
कांग्रेस में मंगलवार को एक बार फिर ओडिशा में बालासोर ट्रेन दुर्घटना की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से कराने की सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की ओर से इसे चर्चा में बने रहने का प्रयास अलावा कुछ नहीं बताया। जी हां, सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा बालासोर ट्रेन हादसा पर अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने से पहले ही सीबीआई जांच की घोषणा की गई, ये कुछ और नहीं बल्कि चर्चा में बने रहने का प्रयास है। जी हां, उन्होंने पटना इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन हादसा जिसमें 150 लोग थे की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंपने के सरकार के फैसले का हवाला देते हुए कहा, 20 नवंबर 2016 को इंदौर पटना एक्सप्रेसवे कानपुर के पास पटरी से उतरी 150 से अधिक लोगों की जान चली गई। 23 जनवरी 2017 को तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा, इस हादसे की एनआईए जांच की मांग की। 24 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में कहते हैं, ट्रेन हादसा एक साजिश है। 21 अक्टूबर 2018 को समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स है कि एनआईए ट्रेन की पटरी से उतरने के मामले में कोई चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। आज तक एनआईए की अंतिम रिपोर्ट्स पर कोई आधिकारिक खबर नहीं है। जी हाँ, गौरतलब है कि 275 यात्रियों की मौत के कारण हुई बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के लिए सरकार कांग्रेस सहित विपक्ष के निशाने पर है। सोमवार को सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया कि प्रारंभिक जांच में मिले संकेतों से ये प्रणाली में जानबूझकर हस्तक्षेप का मामला प्रतीत होता है, इसलिए सीबीआई जैसे पेशेवर एजेंसी द्वारा जांच की आवश्यकता है। रविवार को मीडिया से बात करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल बोर्ड ने शुक्रवार की भीषण दुर्घटना की सीबीआई जांच में सिफारिश की है। वैष्णव ने यह भी कहा कि हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुआ है। जी हां, सूत्र ने कहा, जांच के दौरान बहुत सारी जानकारी सामने आई है, कई तरह की जानकारी उपलब्ध कराई गई है, इसके अलावा एक पेशेवर जांच एजेंसी की जरूरत है। सूत्र ने कहा, जब तक सिस्टम में जानबूझकर हस्तक्षेप नहीं किया जाता तब तक ये असंभव है। मैंने लाइन के लिए निर्धारित रूट को लूप लाइन में बदल दिया जाए। कांग्रेस ओडिशा के वहाँ नागा बाजार स्टेशन के पास हुए भयानक ट्रेन हादसे के लिए वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर रही है। सचिन पायलट बनाए गए प्रगतिशील कांग्रेस, तारीख भी कर दी तय, पिता राजेश पायलट से कनेक्शन। जिया, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में चंद महीने की बाकी है और इस बीच कांग्रेस की अंदरूनी कला विभाजन तक पहुंच सकती है। जिया, खबर है कि बागी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच किसी भी तरह का तालमेल बिठाने में हाईकमान असफल रहा है और अब पूर्व डिप्टी सीएम नई राह तय कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने तय कर लिया है कि वह नई पार्टी बनाएंगे, यही नहीं इसका नाम भी तय कर लिया है। सचिन पायलट प्रगतिशील कांग्रेस नाम से नई पार्टी बना सकते हैं। इस नए दल का ऐलान 11 जून को जयपुर में किया जाएगा। इस दिन सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि भी है। जी, हाईकमान कांग्रेस हाईकमान ने बीते दिनों ही दिल्ली में बुलाकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट से मुलाकात की। तब कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ काम करेंगे। ये भी कहा गया था कि फॉर्मूले के तहत सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया है। हालांकि सचिन पायलट कैंप के ओर से ये ऐसी खबरों को खारिज कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि वो अपने मुद्दों पर डटे हुए हैं। अब चर्चा है कि सचिन पायलट 11 जून को जयपुर में एक रैली करेंगे और हजारों समर्थकों की मौजूदगी में नया दल बनाने का ऐलान करेंगे। जी हाँ, नई पार्टी बनाई तो कितने विधायक जाएंगे पायलट के साथ? सचिन पायलट यदि नई पार्टी बनाती है तो इस बार बात पर भी होगी कि कांग्रेस के कितने विधायक उनके साथ जाते हैं। जी हाँ, इसके अलावा अशोक गहलोत की सरकार के सामने कोई खतरा पैदा होगा या नहीं? इससे पहले 2020 में भी जब सचिन पायलट ने बागी तेवर अपनाए थे तो उनके साथ 19 विधायक थे। माना जा रहा है कि इस बार भी कई लोग उनके साथ रह सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक रहे सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर कई आरोप लगाए हैं, जिनमें से एक ये है कि भाजपा की वसुंधरा सरकार दौरान हुए करप्शन की जाँच नहीं कराई गई है। जी हाँ, पायलट ने पूरे राज्य में आंदोलन की दी थी चेतावनी। इन आरोपों को लेकर सचिन पायलट ने 11 मई को यात्रा भी शुरू की थी। 125 किलोमीटर की अजमेर से जयपुर की यात्रा के दौरान सचिन पायलट ने 15 दिन के डेडलाइन भी दी थी। जी हाँ,
लेकिन दोनों पक्षों के बीच बात नहीं बन पाई। सचिन पायलट का कहना था कि यदि उनकी मांगें स्वीकार नहीं की गई तो वो पूरे राज्य में ही आंदोलन करेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर हाईकुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।